गुड मॉर्निंग। चलिए हम अपने दिन की शुरुआत एक ऐसे कार्य से करते हैं जो हमें तुरंत तंदुरुस्त बना दे। हर रोज सुबह उठने पर ब्रश भी करने से पहले मैं 1.25 लीटर्स पानी पी लेती हूँ। पहले हमें ऐसे लगेगा कि हम कैसे 1.25 लीटर्स और इतना सारा पानी वो भी ब्रश करने से पहले पी लें, पर एक बार जब हम ये कार्य शुरू करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसके बेनिफिट्स कितने सारे हैं। इसे वाटर थेरेपी कहते हैं। ये पानी पी लेने के बाद एक घंटे तक कोई भी सॉलिड या लिक्विड आहार नहीं ले। एक घंटे के बाद हम अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। इस वाटर थेरेपी से हमारे शरीर में जो टॉक्सिक और मेटाबॉलिक वेस्ट जो जमा हो जाता है वो सब फ्लश आउट करके हमारे शरीर को एकदम तंदुरुस्त बना देता है। ये हमारा फर्स्ट टिप है टू अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जो श्री जनार्दन गुरुजी ने अपनी किताब माई एक्सपीरियंस विद स्पिरिचुअलिटी और मिस्टीरियस पावर्स इसमें दिया हुआ है। अगले कुछ समय में हम आपको इन सारी टिप्स के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। जहां पर डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है वो भी हम आपको देंगे। चलिए हम अपने दूसरे टिप की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही महत्वपूर्ण। ये तो ज़्यादा समय नहीं लेता करने के लिए पर बहुत ज़रूरी है कि हम इसे रोज़ रेगुलरली करें, जल नेति। चलिए देखते हैं इसका प्रोसीजर। सबसे पहले वार्म वाटर ले, ज़्यादा गर्म नहीं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें और ये जो है इसे जल नेति पॉट कहते हैं। इसमें ये पानी डाल लें और इसे हमारा जो राइट नॉस्ट्रल है उसमें इंसर्ट कर लें। मुंह खोल लें थोड़ा सा सांस लेने के लिए और सिर को इस तरफ टिल्ट कर लें थोड़ा सा। ये जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे नॉस्ट्रल से पानी निकलना शुरू कर देगा। ऐसे हो सकता है पहले पहले जब करने पर एक्सेसिव ब्लॉकेज के कारण दूसरी तरफ से पानी ना निकले, पर रेगुलरली ये करने पर पानी निकलना शुरू हो जाएगा। एक बार जब एक साइड करके खत्म हो जाए दूसरे नॉस्ट्रिल में उसी तरह जलनेती पॉट इंसर्ट कर ले और पानी हमारे अभी राइट नॉस्ट्रिल से बाहर आना शुरू कर देगा। ये करने के बाद हमारे नोज को थोड़ा सा ब्लो कर ले इस तरह एक्सेसिव पानी निकालने के लिए। बैलेंस जो पानी है वो लेकर हम गार्गल कर लेंगे ताकि हमारा थ्रोट भी क्लियर हो जाए। कई लाभ है जो लोग सिरदर्द, खांसी और जुकाम से हर वक्त परेशान रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। फोरहेड के जो नर्व्स है और सिर में जो जमा हुए साइनस है उसे ये क्लियर करता है। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इससे उनका कॉन्सेंट्रेशन बेहतर होता है। परीक्षा में जाने से पहले जलनेति किया जाए तो बहुत अच्छा है। जब हम मुंबई जैसे शहरों के रास्ते में ट्रैवल करते हैं तो पोल्यूशन और धूल, मिट्टी, ये सब हमारे नॉस्ट्रिल में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जमा हो जाता है। अगर घर आने पर जलनेती करें तो ये सब साफ हो जाता है। पर ध्यान रहे कि जिनको कान में दर्द है या कान का कोई भी प्रॉब्लम है उन्हें जलनेती नहीं करनी चाहिए, उन्हें किसी मेडिकल सुपरविजन में ही ये करना चाहिए। जलनेती दिन में दो बार करें तो बहुत अच्छा है, एक सुबह उठने पर और दूसरी बार रात में सोने से पहले। अगला टिप है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर अपने पूरे हाथ पर इस तरह से दे, अपने पाम के एरिया में, अपने उंगलियों पर ऐसे, उंगलियों के टिप्स में इस तरह से, उंगलियों के वेब में, हाथ के पीछे की ओर, उंगलियों के पीछे,
और अपने कलाई के एरिया में। इस तरह से प्रेशर दे जैसे कि हम कुछ पंप कर रहे हो। जब हम इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पे प्रेशर देते हैं तो वो करंट पास करता है उस करस्पॉन्डिंग शरीर के भाग को और उसे वहाँ जो भी तकलीफ है उसे ये ठीक कर देता है या रेक्टिफाई कर देता है। शरीर के अलग अलग भागों के करस्पॉन्डिंग नर्व पॉइंट्स हमारे हाथ और पैरों में मौजूद है। इस तरह से पूरे हाथ पर एक्यूप्रेशर दे और ये दिन में 3 बार करें। कभी कभी प्रेशर देते वक्त कुछ पॉइंट्स में दर्द महसूस होता है। इसका मतलब ये है कि उस करस्पॉन्डिंग शरीर के भाग को ध्यान की जरूरत है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कान में दर्द हो तो इस पॉइंट में दर्द महसूस होगा, तो इस पॉइंट में 1 मिनट के लिए प्रेशर दे और इसे दिन में 3 बार करें जब तक कि दर्द कम ना हो जाए। इसी प्रकार यदि लिवर में कुछ तकलीफ है तो इस पॉइंट में दर्द महसूस होगा। इन सारे पॉइंट्स की जानकारी इस किताब में दी गई है, इस डायग्राम्स में। इन डायग्राम को देखकर ये पॉइंट्स हम तुरंत ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब करने के लिए हमारे पास वक्त कहाँ है। यदि आप एक हाउसवाइफ है या फिर आप रिटायर्ड है तो टीवी देखते वक्त आप ये कर सकते हैं। आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और सेहत का भी फायदा हो जाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं या नौकरी पर जाते हैं तो आप ट्रैवल करते वक्त ये कर सकते हैं। करने के लिए सिर्फ 5 या 10 मिनट लगता है पर फायदा बहुत ज़्यादा। बिना किसी डायग्नोस्टिक सेंटर गए आप खुद ये पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में प्रॉब्लम क्या है और उसे ट्रीट भी कर सकते हैं। अगर आपके शरीर के किसी भी भाग में तकलीफ है तो आप खुद सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठे या जमीन पर बैठे पर सीधे बैठे। यदि पेट में दर्द है तो एक हाथ अपने पेट पर और दूसरे अपने सर पर इस तरह से रखें, आंख बंद कर लें और 5 से 10 मिनट ऐसे बैठे रहें। यदि दर्द कम नहीं होता तो ये 2-3 बार दिन में करें। कान के दर्द के लिए इस तरह बैठे, एक हाथ एक कान पर और दूसरे सर पर। सिर दर्द के लिए इस तरह बैठे। यदि हाथ दर्द करने लगा तो आप हाथ को इस तरह से बदल कर भी रख सकते हैं। अगला टिप ये है कि सुबह जो 1.25 लीटर्स पानी पीते हैं उसके अलावा 8 से 10 ग्लास पानी दिन में पीना चाहिए। पर जिनको शरीर में स्वेलिंग का या किडनी का कोई भी तकलीफ है उनको अपने डॉक्टर की सलाह के प्रकार ही पानी पीना चाहिए। ये टिप उनके लिए नहीं है। अगला टिप है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये बनाने के लिए अदरक और लहसुन बराबर के क्वांटिटीज़ में ले, अच्छी तरह से साफ कर ले, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसे अच्छे से पीस ले और पेस्ट बना दे। इसमें ज़रूरी है कि नमक मिलाएं और इसका 1/2 चम्मच पेस्ट ले, थोड़े से चावल के साथ मिलाएं और भोजन के समय ले। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स रिड्यूस करता है और जॉइंट में दर्द कम करता है और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अपने आहार में बहुत सारे फल, स्प्राउटेड सीरियल्स और हरी सब्जी शामिल करें। ये टिप है अस्थमा के मरीजों के लिए, खास करके अपने सिर पे तेल न लगाएं क्योंकि इससे आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। अगला टिप है कि दूध और दूध के प्रोडक्ट्स रात के समय न लें। जिन लोगों को पेट संबंधित बीमारी या डायबिटीज़ है वे येलो सफ़ाया या येलो टोपास 3 से 4 कैरेट सोने में बनाएं और अपने दाहिने या लेफ्ट हाथ के रिंग फिंगर में पहनें। इसी तरह अस्थमा या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जिन्हें हैं वे ब्लू सफ़ाया या ब्लू टोपास 3 से 4 कैरेट चांदी में बनाएं और अपने दाहिने या लेफ्ट हाथ के बीच के फिंगर में पहने। अंत में जिसे हम आज के ज़माने की संजीवनी कह सकते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है, अनार जूस या अनार रस। यदि आप ज़्यादा एनर्जी चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा ग्लो करे तो आप अनार जूस लें।
आजकल शरीर में बहुत सारे टॉक्सिक जमा हो जाते हैं, ठीक से न खाने के कारण या न सोने के कारण, स्ट्रेस के कारण इत्यादि। अनार रस अगर हम रेगुलरली लेंगे तो हमारे शरीर से ये सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे और हम बहुत ही एक्टिव और हेल्दी महसूस करेंगे। ये अनार जूस सबके लिए बेनिफिशियल है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम साफ कर देता है। पर सिर्फ ये ध्यान रहे कि अगर आप डायलिसिस अंडरगो कर रहे हैं तो आपको अनार जूस नहीं लेना चाहिए। चलिए देखते हैं अनार जूस कैसे बनाया जाए। अनार जूस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक मीडियम साइज अनार, मिक्सी और थोड़ा सा पानी। ये अनार ले और इसे आधे हिस्से में काट ले। एक व्यक्ति के लिए एक ग्लास अनार जूस बनाने के लिए ये क्वांटिटी लेना चाहिए। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले उसके छिलके के साथ। अभी इन छोटे छोटे टुकड़ों को ले और इसे मिक्सी के जार में डाल दे। थोड़ा सा इसमें पानी मिला दे। इस तरह से थोड़ा सा पानी मिला दे और इसे एक स्मूथ पेस्ट बना दे। पर इसमें कोई चीनी नहीं मिलानी है। अब इस स्मूथ पेस्ट को लेकर इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे ताकि ये एक ग्लास अनार जूस बन जाए। अब इस रस को एक ग्लास के कंटेनर या एक ग्लास में ट्रांसफर कर दें और ये हमारा एक ग्लास अनार जूस तैयार। ये है अनार रस। अनार जूस खाली पेट में सुबह उठने के बाद लेना है, दांत ब्रश करने के बाद। जिस दिन अनार जूस लेते हैं उस दिन उठने पर सिर्फ एक या दो ग्लास पानी पिए, ब्रश करें और अनार जूस पी लें। उस दिन 1.25 लीटर पानी सुबह पीने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप अनार जूस पहली बार ले रहे हैं तो इसे 3 दिन कॉन्सिक्यूटिवली लेना चाहिए।
जिस दिन अनार जूस लेते हैं, एक घंटे के अंदर या एक घंटे के बाद आपको लूज मोशंस होना शुरू हो सकता है। 3-4 बार भी लूज मोशंस हो सकता है। कुछ लोगों को पेट में दर्द भी हो सकता है। कोई बात नहीं, इसका मतलब यही है कि आपका पेट साफ हो रहा है, इसे कोई दवाई लेकर ना रोके। कुछ लोग वॉमिट भी कर देते हैं उसके बिटर टेस्ट के कारण या पेट में होते रिएक्शन के कारण। कोई बात नहीं, पर यदि आपने वॉमिट कर दिया तो आपको फिर से अनार जूस लेना पड़ेगा। यदि आप पहली बार अनार जूस ले रहे हैं तो आप 3 कॉन्सिक्यूटिव दिन अनार जूस लेंगे, जैसे हमने पहले कहा था। कुछ लोगों को दूसरे या तीसरे दिन लूज मोशंस हो सकता है। अनार जूस लेने के बाद 1 घंटा रुके और फिर ही अपना ब्रेकफास्ट ले। 1 हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार अनार जूस लेने से बहुत फ़ायदा मिलता है। पर जिन लोगों को पेट संबंधित बीमारी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट संबंधित या टॉक्सिक संबंधित बीमारी है, वे लोग 3 दिन में एक बार अनार जूस ले सकते हैं। अंत में हमेशा पॉजिटिव या अच्छा सोचे, नेगेटिव विचार दिमाग से दूर कर दे, किसी चीज़ के लिए वरी ना करे, हमेशा मुस्कुराते रहे। यदि आप खुद खुश और तंदुरुस्त रहेंगे फिर ही आप दूसरों में खुशी फैला सकते हैं। यदि आप ये सारी टिप्स रेगुलरली और सिंसियरली फॉलो करेंगे तो आपके लिए एक हेल्दी और एक हैप्पी जिंदगी का पक्का गारंटी है। ये सारी टिप्स इस किताब माई एक्सपीरियंस विद स्पिरिचुअलिटी और मिस्टीरियस पार्ट्स, जो श्री जनार्दन गुरु जी ने लिखा है, इसमें दिए गए हैं।